हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं आज आप लोगों के सामने काली माँ के मैसेजेस लेके आया हूं। चलिए देख लेते हैं कि काली माँ आपको कौन से डायरेक्शंस दे रहे हैं, कौन से जवाब नहीं दे रहे हैं। वीडियो देखने से पहले एक सूचना कि वीडियो जब भी आप देखना स्टार्ट कर रहे हो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए, नहीं तो आप एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये कोई भी रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो अगर आप कोई भी रिलीजन में हो ये देख सकते हो। अगर आप लड़की हो लड़के हो कोई भी कम्युनिटी से हो ये देख सकते हो, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एंड देख लेते हैं। ओम काली काली महाकाली, काली के पापा हरणी धर्मतमकर देवी नारायणी नमस्ते माँ, ब्लेसिंग्स दे दीजिए। पहला कार्ड है गुज्जा काली। देखिए आज माँ आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो, जैसे कि आप क्यों आए हो, आपके सोल डीएनए क्या है, आपके सोल पर्पस क्या है, आप कैसे अपने लाइफ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, ये सब आप सोच रहे हो। एक कंप्लीट रीबर्थ आपको मिल रहा है। मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज में है, या फिर कोई भी एक चीज़ आपके लाइफ से जाने वाले है, या फिर आप फेल हो जाओगे, या फिर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो माँ आपको अचानक एक सीक्रेट आपको देंगे। तो एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, वो सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज का दिन माँ आपको बोल रहे कि सोल सर्चिंग करिए। क्यों आप डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हो, क्यों एक ही सिचुएशंस बार बार रिपीट हो रहे हैं? क्या आप माँ के सपने देखे हो, क्या कुछ चीज़ आपको मिला है? अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रहे हैं, या फिर शरीर में आपको फील हो रहे हैं कि कुछ तो अजीब हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली माँ ये सब चीज़ को करवा रहे हैं। लिटरली माँ देख रहे हैं कि देखिए आप एक हाईली स्पिरिचुअल सोल हो एंड एक ओल्ड सोल हो, आपके पास शक्ति है, बट वो शक्ति को आप इधर विश्वास नहीं करते हो, या फिर उस शक्ति से आप इतना ज़्यादा डरते हो कि इसके बारे में आप बात ही नहीं करना चाहते हो, या फिर आपके फैमिली में ये सब चीज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए आप ये सब चीज़ के लिए बात नहीं करना चाहते हो। बट लिटरली माँ एक चीज़ देख रहे हैं कि आपके अंदर के जो पावर है वो बाहर आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप एक हीलर हो, या फिर टैरो रीडर हो, या फिर काइंड ऑफ आप अगर स्पेल करते हो, यानी कि स्पेल कास्टर हो, तो आपके इस एरिया पे, यानी कि थर्ड आई एरिया पे बहुत एक वाइब्रेशन सा महसूस होगा। आज आपके पूरे बॉडी वाइब्रेट कर सकते हैं। ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके शरीर में एक्स्ट्रा शक्ति ऐड हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप कोई बहुत बड़े जंग को जीतने वाले हो। एक सीक्रेट पता चल रहा है, हो सकता है कि किसी के बारे में आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि आपको शक था कि कोई पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, बट माँ आपको एक नए डायरेक्शंस आपको दे देंगे। लिटरली आज मैं बोल सकता हूँ कि पर्सनल प्रॉब्लम्स माँ आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, और अपने तरीके से माँ आपको कुछ चीज़ समझा रहा है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आज आप थोड़ा बहुत चौकन्ना रहिए, क्योंकि कुछ भी ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। किसी को ना मत बोलिए, ना मतलब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी को या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, ट्राई आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल करना है। माँ आपको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे लेके जा रहे हैं, और माँ आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर वो हुनर है, अगर आपके अंदर वो ब्रेवरी है, अगर आपके अंदर वो करेज है, तो आप ज़रूर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो, बट अपने पास्ट को छोड़ना होगा आपको। चलिए देख लेते हैं। पास्ट मतलब पास्ट के नेगेटिव ख्याल। नेक्स्ट कार्ड ये है कुरुकुल्ला। देखिए दो चीज़ है लाइफ में, अगर आप स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होना, इनलाइटमेंट के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सोच रहे हो, या फिर थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, तो एक बात आपको समझना होगा कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड आप को एक डिफरेंट डायमेंशन पे लेके जाएंगे। उस डायमेंशन पे जाने के बाद आपको ये मेटेरियलिस्टिक ख्याल आपके दिमाग पे नहीं रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, क्या आप प्रोटेक्टेड हो, क्या सच में आप एक चूजन वन हो, तो डेफिनेटली माँ बोल रहे हैं कि देखिए आपके जो पिछले जन्म थे, उस जन्म से आप माँ को प्रे करते हुए आ रहे हो, या फिर यूनिवर्स को प्रे करते हुए आ रहे हो, इसीलिए आपके पास वो पावर ऑटोमेटिक है, इसीलिए आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए जो भी चीज़ आप लोगों के लिए प्रेडिक्ट करते हो तो अच्छा हो रहा है। खास करके माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके घर में जो भी वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर अगर कोई आपके ऊपर स्पेल किया था, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया था, उन लोगों को तो सबक मिल जाएगा। आप स्ट्रांगली खुद को एक डिफ़िकल्ट फेज से डिफरेंट एक नए डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हो।
नए हैबिट्स आप स्टार्ट कर रहे हो, सुबह उठना स्टार्ट किए हो, या फिर रिसेंटली कुछ चेंजेस आप खुद के अंदर लेके आए हो या फिर लेके आओगे, उसमें माँ दिखा रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुली एक डिफिकल्ट फेज को आप हटा पाओगे अपने लाइफ से। सेकेंडली, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोगों की नज़र में आप बहुत ऊँचे रहेंगे। एंड अगर मान लीजिए कि आप कोई ऑफिस में काम करते हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ झमेला हो रहा है या फिर कोई पॉलिटिक्स का शिकार आप हुए थे, फाइनली कोई पर्सन आपको आके सॉरी बोलेंगे या फिर समझा देंगे। आपके जो हायरार्की है, यानी कि जो हायर मैनेजमेंट है, ये घर का सदस्य भी हो सकते हैं या फिर बिजनेस के सदस्य भी या फिर आपके ऑफिस के सदस्य भी, ये लोग आपको बहुत अच्छे नज़र में देखेंगे। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि आपके पीठ पीछे जो भी बुरे चीज़ें बोला जा रहा था या फिर लोग अगर आपको शक कर रहा था, तो अभी लोगों के सामने पूरी चीज़ क्लियर हुए है कि आप एक अनकंडीशनल पर्सन हो, आप लोगों के लिए प्रे करते हो। अगर आप एक हीलर हो तो यस, डेफिनेटली आप बहुत लोगों को मदद कर पाओगे एंड आपके रेपुटेशन भी बढ़ेगा। एंड सिमिलरली लोग जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, ये आपको सपोर्ट करेंगे एंड डेफिनेटली ये आपको मतलब एक डिफरेंट प्राउड फील करवाएंगे कि हाँ, आप उनके लिए लाइफ में कुछ बहुत कुछ किए हो। तो कुछ ऐसे फीडबैक आपको मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे माँ बोल रहे हैं, माँ बहुत प्रसन्न है आपसे। लेट्स सी फाइनल कार्ड। यस, धर्मा ऑफ काली। ये कार्ड पे साफ बात है कि एज अ हीलर या फिर स्पिरिचुअल पर्सन, आपके लाइफ में ये अच्छा है, ये बुरा कुछ चीज़ नहीं है। हर चीज़ के डिफरेंट डायमेंशन है। ये सफ़ेद और ब्लैक के डायमेंशन से बाहर आओ और ग्रे मैटर को समझो। कुछ कुछ चीज़ ऐसे है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्यों हो रहा है, बट ये हो रहा है। जैसे कि मान लो स्पिरिट के साथ मुलाकात, स्पिरिट के साथ बात करना। जैसे कि मान लो कि आप ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं आपके पार्टनर मैरिड, तो हम लोगों को भी पता है कि मैरिड पर्सन के साथ कैसे हम लोग कुछ कर सकते हैं या फिर ये पाप है, बट ये एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है। कब हम लोग किसी के पास में जा रहे हैं या कोई चीज़ हमसे दूर हो जा रही है, ये हमारे हाथ में अगर होता तो सब कुछ पॉसिबल होता। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये वाइट ब्लैक के जो ये जजमेंट है, ये बहुत ही मुंडन लेवल के जजमेंट है, यानी कि बहुत ही नीचे लेवल के जजमेंट है। जैसे आप स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशनल हो जाओगे, आपके सामने सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप किसी को झूठ नहीं बोलोगे, आप किसी के सामने कुछ अच्छे प्रूव नहीं करोगे, आपके लिए सब समान हो जाएगा। एंड आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो है भगवान को पूजा करना, ईश्वर को पूजा करना, अल्लाह के सामने मतलब अल्लाह के सामने दुआ मांगना किसी के लिए। सो ये जो फेज है आपके लाइफ में, ये जो ब्लैक एंड वाइट फेज, ये खत्म हो जा रहे, अब सबके लिए प्रे करना स्टार्ट करोगे। सिमिलरली कुछ कुछ ऐसे झूठ भी होते हैं जिस झूठ आपको अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसको अगर आप ना बोलते हो तो सामने वाले पर्सन बहुत अच्छा फील करते हैं। तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक चीज़ का दूसरे तीसरे पर्सपेक्टिव होते हैं। तो आज आपके सामने कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि बाहर के ऑब्जर्वेशन से कोई चीज़ ख़राब है, बट अगर आप अंदर जाके सोचेंगे तो वही चीज़ शायद आप पसंद करते हो, वही चीज़ आपको सेटिस्फाई करते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ आइडियल नहीं, बट आपके लिए वो सही है। कोई दूसरों के लिए शायद वो गलत हो सकता है, बट आपके लिए वो सही है। तो यूनिक बनिए। दूसरों जो करें वो उन लोगों को करने दीजिए, आप जो करें वो सही है, आप सही पथ पे हो। माँ आपको बोल रहे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एक स्पेल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, शायद ईश्वर नहीं चाहते, अल्लाह नहीं चाहते, बट एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, माँ आपको बोल रहा है कि देखिए, आप दूसरे पर्सन के लाइफ को अच्छे करने के लिए स्पेल कर रहे हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ को काइंड ऑफ और भी अच्छे बनाने के लिए स्पेल कर रहे हो, किसी के नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। तो अपने नज़रिए को आपको बदलना होगा एंड आपको प्यार करना होगा, ये यूनिवर्स को प्यार करना होगा, माँ के ऊपर विश्वास रखना होगा। माँ आपको बोल रहे हैं कि परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, बट रिजल्ट्स आपका जो आएगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन पर बोल दीजिएगा जय माँ काली 1111। इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कोई चैनल पार्टनर नहीं है, कोई सेकेंड अकाउंट या फिर सेकेंड चैनल नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे जो लिंक्स है इंस्टाग्राम का वो लिंक फॉलो कीजिए, कोई बाहर का लिंक फॉलो नहीं कीजिए, वो है टैरो टनिक पर। मैं पहले रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद चार्जेस लेता हूँ, वो है 599 rupees एंड 1 hour 15 minutes। इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री देन $20, द टाइम ड्यूरेशन इज सेम, 1 hour 15 minutes। बाय बाय, टेक केयर।